पर्पल काउ। अगर आप अपना स्टार्टअप या बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको ये किताब पर्पल काउ समरी जरूर सुनी चाहिए। आपको पता चलेगा कि आपका प्रोडक्ट या आइडिया एक पर्पल काउ की तरह होना चाहिए जो सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर ले। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। 95% स्टार्टअप्स शुरू होने के पहले साल में ही फेल हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका प्रोडक्ट यूनिक नहीं होता है, बल्कि वही घिसा पिटा प्रोडक्ट होता है जो पहले से ही मार्केट में मौजूद है। इस बुक में लेखक ने बताया है कि कैसे आप एक यूनिक प्रोडक्ट बना सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो वह प्रोडक्ट बिना एड्स के भी बिकने लगेगा और आपकी स्टार्टअप बेहद सक्सेसफुल हो जाएगी। ऑथर सेठ गोर्डन डॉट व्हाट्स अ पर्पल काउ। मान लीजिए आप बस से कहीं जा रहे हैं और आपको बाहर खेतों में गाय दिखने लगती है। थोड़ी देर तक आप उन्हें देखोगे, फिर आप उनसे बोर हो जाओगे क्योंकि उन सबका कलर और शेप वैसा ही होगा जैसा आमतौर पर होता है। लेकिन सोचिए अचानक से आपको एक पर्पल काउ दिखती है तो क्या होगा? आप जैसे नींद से जाग जाओगे। आप हैरानी से और पूरी कॉन्सेंट्रेशन से उसे देखने लगोगे, यहाँ तक कि फोन से उसके फोटो क्लिक करने लगोगे और ऐसा बाकी के मुसाफिर भी करेंगे क्योंकि आज तक किसी ने पर्पल काउ देखी ही नहीं है। ऐसी काउ होती ही नहीं है। तो पर्पल काउ से लेखक का यही मतलब है कि कुछ ऐसा यूनिक फैक्टर जो किसी भी चीज को भीड़ से अलग कर दे। अब आप पर्पल काउ को एक आइडिया या प्रोडक्ट से रिप्लेस कर दीजिए। एक ऐसा आइडिया लाइए कि सब बरबस उसे देखते रह जाएं, सब उसकी सराहना करें। इससे उस आइडिया पर बेस्ड प्रोडक्ट हर कहीं अपने आप ही बिकने लगेगा और आपको उसकी मार्केटिंग के लिए कुछ भी खास नहीं करना पड़ेगा। 2. डेथ ऑफ एडवर्टाइजिंग। पहले लोगों का मानना था कि कोई सामान्य प्रोडक्ट बनाओ लेकिन उसकी ग्रेट मार्केटिंग करो, इससे वह प्रोडक्ट ज्यादा बिकने लगेगा। इस ग्रेट मार्केटिंग के लिए कंपनीज टीवी और प्रिंट मीडिया में एड्स देते थे या बड़े बड़े बिलबोर्ड्स हायर कर लेते थे। इस तरह की मार्केटिंग में बहुत सा पैसा खर्च होता था। यही पैसा अगर प्रोडक्ट को रिफाइन करने में लगे तो ज्यादा बेहतर होगा, या पैसा बचाकर प्रोडक्ट का प्राइस भी कम किया जा सकता है। लेकिन अब यह बीते जमाने की बात हो गई है। इंटरनेट के जमाने में लोग सेल फोन से ज्यादा चिपके रहते हैं और इस तरह की मार्केटिंग ज्यादा फायदेमंद नहीं रह गई है। अब लेखक कहते हैं कि नया रूल आ गया है जो है वर्ड ऑफ माउथ, यानी लोग एक दूसरे को किसी प्रोडक्ट के बारे में रेकमेंड करते हैं और इससे वह प्रोडक्ट धड़ाधड़ बिकता है। लेकिन इसके लिए आपको पर्पल काउ जैसा हटकर प्रोडक्ट बनाना होगा, जैसा कि स्टीव जॉब्स बनाते थे। उनके किसी भी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कभी टीवी पर नहीं आई है, फिर भी वह धड़ाधड़ बिकता है क्योंकि ये प्रोडक्ट अनोखे होते थे। 3. मूअर्स मार्केटिंग कर्व। अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपको मूअर्स कर्व को समझना होगा। इसके निम्न भाग होते हैं आई इनोवेटर्स, ई अर्ली अडॉप्टर्स, ई अर्ली मेजॉरिटी, आई वी लेट मेजॉरिटी, वी लैगर्ड्स। सबसे पहले आपको उस प्रोडक्ट को अर्ली अडॉप्टर्स को दिखाना होगा। ये लोग रिस्क टेकर होते हैं और लाइफ में नई नई चीजों को पसंद करते हैं। इन्हें नए प्रोडक्ट्स को ट्राई करना अच्छा लगता है। ये लोग बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। इनके वेबसाइट्स, ब्लॉग्स या यूट्यूब चैनल आदि होते हैं जिनमें ये उस प्रोडक्ट को रेकमेंड करते हैं और इस तरह उस प्रोडक्ट का पता सोसाइटी के सब लोगों को चल जाता है। 4. एडीवायरस यूनिक आइडिया। एक वायरस की तरह होता है जो हर कहीं फैल जाता है। जैसे किसी को आइडिया आया कि लोग छोटे छोटे क्लिप्स कैसे दूसरों से शेयर कर सकते हैं और इस तरह से टिकटॉक बन गया, जल्दी से मैसेज भेजने के आइडिया से व्हाट्सएप बन गया, फ्रेंड्स को कनेक्ट करने के लिए फेसबुक बना, जल्दी से अपना ओपिनियन शेयर करने के लिए ट्विटर बन गया। तो ये सब आइडियाज ही है। इसलिए दोस्तों, आप भी कोई आइडिया क्रिएट कीजिए, तभी आपका स्टार्ट अप चलेगा और आपको बिलियनेयर भी बना देगा। 5. प्रॉब्लम ऑफ पर्पल काउ। बहुत ज्यादा यूनिक चीज बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा हिम्मत भी चाहिए क्योंकि सब लोग यूनिक चीज को शुरू में क्रिटिसाइज भी करते हैं। ये ह्यूमन नेचर है कि हम नए बदलाव को अच्छा नहीं मानते।
जैसे जब भी कोई पॉलिसी बनाई जाती है तो शुरू में लोग उसे रेजिस्ट करते हैं। कोरोना की वैक्सीन इसका एग्जाम्पल है। शुरू में आपको याद होगा क्या क्या भ्रांतियां फैलाई गई थी, लेकिन आगे चलकर इसी वैक्सीन ने लोगों की जान बचाई थी और सारे देश में इसका इस्तेमाल किया गया था। इसलिए हर इन्वेंटर को याद रखना होगा कि आप हर आदमी को खुश नहीं कर सकते। कुछ लोग आपको हमेशा ही क्रिटिसाइज करेंगे, चाहे आप कितना भी अच्छा काम कर ले। इसलिए ऐसे लोगों को इग्नोर करें। अगर 70% लोग आपको अच्छा मान रहे हैं तो वह आपके लिए काफी है। बाकी के 30% लोगों की बिल्कुल चिंता न करें। अन्यथा संसार में कभी नए और यूनिक प्रोडक्ट्स देखने को ही नहीं मिलेंगे। 6. पावर ऑफ मोनोपोली। आज की दुनिया में लोग आइडिया को एकदम कॉपी भी कर लेते हैं, इसलिए आप अपने आइडिया को इतना यूनिक बना लें कि दूसरे कॉपी ही न कर पाए। साथ ही पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट आदि करवा लें। इससे आपकी मार्केट में मोनोपोली हो जाएगी। लेकिन मोनोपोली को लोग बुरा भी मानते हैं, क्योंकि इससे मोनोपोली होल्डर मनचाहे दाम वसूलने लगता है। इस कारण दूसरे लोग पायरेटेड प्रोडक्ट बेचने लगते हैं और ओरिजिनल प्रोडक्ट को नुकसान होता है। इसलिए पैसे के लालच में ऊंची कीमत पर प्रोडक्ट न बेचें, बल्कि लोगों की लाइफ आसान बनाने के लिए प्रोडक्ट क्रिएट करें। इससे आपकी लाइफ भी मीनिंगफुल हो जाएगी और आपको अपना बड़ा मकसद भी मिलेगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस YouTube चैनल रिच वाणी को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने परिवार मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए। भविष्य में आप और किस टॉपिक पर वीडियो देखना सुनना चाहते हैं उसके लिए कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।